उसकी जो कारगुजारियां हैं उसकी जांच में लगा हुआ था, उसके अध्ययन में लगा हुआ था। अध्ययन करते करते मुझे समझ में आया कि असली खिचड़ी खिचड़ी घोटाले का असली सूत्रधार तो संजय राउत थे, क्योंकि उनकी अपनी एक बेनामी कंपनी है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, जिसमें उनके घोषित पार्टनर कंपनी के पार्टनर हैं पाटकर जी और सालुंखे जी, और वो लोग अपने कंपनी के तरफ से बीएमसी से कोविड के जमाने में जो खिचड़ी सप्लाई करने का जो एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के तहत 6,37,00,000 की का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। और वो कॉन्ट्रैक्ट लेते समय बहुत सारे फर्जी पेपर अटैच किए थे, जिसमें हमारे इलाके के एक रेस्टोरेंट पर्शियन दरबार के किचन के भी फर्जी डॉक्यूमेंट जोड़ दिए थे। बाद में पर्शियन दरबार ने बोला कि भाई हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अब चूंकि उस कंपनी के पास खिचड़ी बनाने सप्लाई करने का कोई अनुभव नहीं था, तो उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब उसको महानगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी देने का। अब चूंकि इनको दलाली खाना था, इसलिए जो सब कॉन्ट्रैक्टर को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको उन्होंने 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। यानी गरीब लोगों की खिचड़ी में से प्रति पैकेट 200 ग्राम खिचड़ी चुरा लिए। तो मुझे समझ में आया कि खिचड़ी चोर सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं है, संजय राउत भी है। और इसके बदले संजय राउत ने 1 करोड़ रुपए की दलाली खाई है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और निकृष्ट काम यह है कि संजय राउत ने दलाली खाने के लिए अपनी छोटी सी बेटी को उसके अकाउंट का दुरुपयोग किया, अपने भाई के अकाउंट का दुरुपयोग किया और अपने पार्टनर के अकाउंट के नाम के लिए। तो राजकारण में कभी किसी के परिवार को नहीं लाना चाहिए, लेकिन संजय राउत घोटाला करने के लिए कभी अपनी पत्नी के नाम पर रिश्वत लेते हैं, कभी अपनी बेटी के नाम पर रिश्वत लेते हैं। ये बहुत ही निकृष्ट काम है, बहुत ही नीच काम है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने कांग्रेस छोड़ी और 15 दिनों बाद आप इस तरह से खुलासा कर रहे हैं, अब तक आप चुप क्यों थे, क्यों नहीं, जबकि खिचड़ी घोटाला काफी समय से चल रहा है, इसमें कई लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। अब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब मैंने खिचड़ी चोर वाला आंदोलन शुरू किया उसके बाद मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, तो आज मैं जाहिर कर रहा हूँ, जब जागो तभी सवेरा। क्या नॉर्थ पश्चिम की सीट से आप चुनाव लड़ने का पहली बात कह चुके हैं, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि आप लड़ेंगे चुनाव, वो किस पार्टी से लड़ेंगे, इसके लिए भूमिका इस तरह से बनाई जा रही है ताकि आप चुनाव मैदान में उतरे, तो मुद्दा यही रहेगा। आप सभी लोग मुझे शुभकामना दीजिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में मैं उम्मीदवार बनूं और जीतूं और खिचड़ी चोर को हराऊं। लेकिन सबसे बड़ी किस पार्टी से, अभी वो तय करेंगे, बताएंगे आपको। महायुति का हिस्सा बने रखिए, बता देंगे। जाहिर तौर पर संजय निरुपम जो ये लगातार कह रहे थे कि कई सारे संजय पर आरोप हैं और साथ ही साथ जल्द ही वो इसकी घोषणा भी करेंगे। कैमरा राजेश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ इंडिया, मुंबई।